हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म बारे बताने वाला हूं जहां से आप बहुत ही अच्छे से अपने किसी भी सर्वे के लिए, किसी भी काम के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो तो वो काफ़ी सिक्योर फॉर्म होता है, जो कि गूगल फॉर्म से भी काफ़ी अच्छा होता है। इस फॉर्म में आपको काफ़ी तरह के क्वेश्चंस का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ मिलती है, जो कि आपको अपने आने वाले सर्वेज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका इस फीचर का नाम है ब्लॉग सर्वे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इनका नाम है ब्लॉग सर्वे और इनका वेबसाइट का यूआरएल है blogsurvey.io। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका क्या आप कैसे आप यूज़ कर सकते हो और क्यों इसका यूज़ आपको करना चाहिए। तो मेरा नाम है पीयूष, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, blogsurvey.io। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ फॉर्म एंड सर्वे। नीचे आने पे वाई चूज ब्लॉग सर्वे के बारे में आ जाएगा, जैसे कि ये AI ड्रिवन है, प्रोटेक्ट योर रिपोर्टेंट्स प्राइवेसी, ओन योर डेटा, यानी कि काफ़ी ये सिक्योर है, आपको सब कुछ ऑप्शन देता है अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। उसके बाद इनके काफ़ी सारे यहाँ पे क्लाइंट्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इनका काफ़ी सारा टेस्टिमोनियल है, जो कि इनके जो पहले वाले क्लाइंट्स सब हैं, कस्टमर्स हैं, वो इनके बारे में क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे आप आके देख सकते हो उनका रिव्यू। उसके बाद जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज़ देने को मिल जाएगा कि इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मेक इट एनोनिमस, वाइट लेबल, AI सर्वे, फिर टीम कोलैबोरेशन, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, फिर इंटीग्रेशन, स्किप लॉजिक, बिल्ड इन आर्टिकल, एम्बेड विजिट, राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज सपोर्ट और पेमेंट्स। तो इसमें इस तरह के काफ़ी सारे आपको फंक्शनैलिटीज़ मिलता है। स्किप लॉजिक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा और नीचे की तरफ में आपको एक FAQ सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आके आप इनके बारे में पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, और भी आपको मन में जो क्वेश्चन हो वो यहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद आपको इस अकाउंट में साइनअप कर लेना है। तो ये आपको अकाउंट इस तरह दिखेगा, तो यहाँ आपको साइनअप कर लेना है, साइनअप फ्री पे क्लिक करके, और फिर यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पहले से मेरा 2 फॉर्म क्रिएट हुआ है, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ से मैं कर दूंगा मूव टू ट्रैश। ओके, यहाँ पर मेरे एक टू क्रिएट हुआ है, तो मैं आपको आज नया से क्रिएट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इसका कुछ इंटरफेस दिखता है। यहाँ से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक नया फॉर्म बना सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको टेम्पलेट भी मिलता है, जहाँ माई टेम्पलेट पर क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन मिलते हैं, बुक अ डेमो, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, क्रिएट यूजिंग AI, क्रिएट फ्रॉम स्केच। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पलेट है कैसा इसमें टेम्पलेट देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करने पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के लिए आपको एक अलग से सेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म मिलेगा उससे रिलेटेड। फिर एक सेल्फ असेसमेंट, फिर एक है पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर कस्टमर एक्सपीरियंस, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, उसके बाद है एजुकेशन फॉर्म, मार्केट रिसर्च, एम्प्लॉय फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और इवेंट एक्सपीरियंस। तो ये सारे काफ़ी सारे आपको फॉर्म मिलता है इसके अंदर में, आपको काफ़ी सारे और भी फॉर्म मिलते हैं जिसको आप प्रीव्यू पे क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हो कि यह कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से दिखता है इसका फॉर्म, जो कि आपको एक ही क्वेश्चन का यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे में क्लिक करोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन भी इनका दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 1 क्वेश्चन में सिटा है, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। अगर यहीं पर आप इसको क्लासिक पर क्लिक करोगे तो ये देखो ऐसा दिखेगा कि नाम, जॉब रोल, कंपनी नेम, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहीं पे अगर आप क्लिक करते हो कन्वर्सेशनल पे तो एक चैट बॉट की तरह काम करेगा कि यहाँ पे अगर नाम आपको पूछे तो आप यहाँ पे अपना नाम कुछ भी एंटर करोगे, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप इस तरीके से भी अपने अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसा ही एक फॉर्म बनाओ तो ये भी आप इसी वेबसाइट के थ्रू आप बना पाओगे। चलिए देखते हैं कि विदाउट हम किसी भी थीम को टेम्पलेट को यूज़ करें हम खुद से कैसे बना सकते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच पे से हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे कि लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, सेंटर में आप जो क्वेश्चन बना रहे हो उनके बारे में आपको डिटेल मिलेगा, और राइट में वो क्वेश्चन कैसे दिखने वाला है तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट में देखते हैं,
पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डर और यहाँ पे सेटिंग है, तो सेटिंग को आप बाद में देखना, पहले यहाँ से बिल्डर पे आप कुछ मैं समझाता हूँ उसके बारे में। तो बिल्डर पे क्लिक करने पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऐड वेलकम स्क्रीन। तो अगर आप चाहते हो कि जब कोई आपके लिंक पे क्लिक करे तो उसको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, तो आपको यहाँ से एक वेलकम स्क्रीन को ऐड कर लेना है, जहाँ पे आप अपना कुछ भी जो आपका टाइटल होगा वो आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, आपको अपना कोई भी जो कंपनी का नाम हुआ फिर जो टाइटल रहेगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। फिर आपको कुछ भी यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन इसमें डाल देना है जो भी आपका मन हो। अभी के लिए मैं उसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ दिस फॉर्म विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ऐसा वेलकम स्क्रीन मिल जाएगा। नीचे बटन का टेक्स्ट आपको क्या लिखना है, स्टार्ट लिखना है या फिर कुछ और लिखना है, तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। इसका लेआउट कैसा होगा, यानी कि ये लेफ्ट अलाइन होगा, सेंट लेफ्ट अलाइन कहा क्या क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया सब। राइट हम क्लिक करने से ये राइट में चला जाएगा और सेंटर पर क्लिक करने से ये सेंटर में आ जाएगा जैसे कि पहले था। ओके, फिर यहाँ पे देखो अगर आपको इसमें कोई टाइम लिमिट सेट करना है तो यहाँ पे आप एक टाइमर को भी एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है शो टाइमर, इसको हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आप कोई भी मिनट, ऐसे मैं कर दूँ 5 मिनट, तो यहाँ पे देखो टाइमर आ गया कि 5 मिनट का पास टाइम रहेगा इसको फिलअप करने के लिए। ओके, तो टाइम टू कंप्लीट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऑन चाहे तो ऑन करो, ऑफ चाहे तो ऑफ करो। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं शो टाइम को। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर क्या उसको डिलीट करना है तो उस पर होवर करके यहाँ पे आप इसको वेलकम स्क्रीन को डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी हम एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ से बनाना है वेलकम स्क्रीन को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि योर नेम। तो पहले हमको किसी का भी नाम चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है योर नेम। नीचे से आपको इसका जो भी करना है वो कर सकते हो, यानी कि रिक्वायर्ड करना है। अगर आपको हाइड करना है इससे कुछ भी तो आप इसको हाइड कर सकते हो इस ऑप्शन को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अदर ऑप्शन, तो इस पर ऑन करने पे अब जो भी अदर्स का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर आता है असफल ऑप्शन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक बार में ही आप ऊपर नीचे होता रहेगा तो उसको बोलते हैं सफल ऑप्शन। तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नाम है तो वो नाम के लिए हमको ऑप्शन सब नहीं चाहिए, नाम वो कोई अपने मन से एंटर करेगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए चूज सिंगल पे यहाँ पे है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि कौन कौन से टाइप का फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पे देखो चूज सिंगल, शॉर्ट टेक्स्ट, रेटिंग, ओपिनियन स्केल, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट, कॉन्टैक्ट, तो और भी नीचे में काफ़ी सारे आपको यहाँ पे सेक्शन मिलता है जिसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो नाम के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शॉर्ट टेक्स्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया था, यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट एंटर करने के लिए यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो ये हमारा हुआ पहला सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड क्वेश्चन बाय टाइप, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐड क्वेश्चन बाय टाइप। तो यहाँ से देखो जो भी आपको क्वेश्चन ऐड करना है तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अगर आपको फिर से कोई फ़ोन नंबर चाहिए तो यहाँ से फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट, उसको हमको कर देना है इंडिया। फिर आपको कोई और अगर स्टेट है तो वहाँ पर आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, नंबर चाहिए तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर आ चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। तो आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हो या फिर ऑफ करने से, इसको सबमिट नहीं भी करने से चलेगा। इसको आप अभी ऑन करके रखता हूँ। इसको यहाँ पे आपको देखो लॉजिक, असाइनमेंट, फीडबैक, तो या फिर और भी ऑप्शन मिलता है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको फर्स्ट वाले से सब कुछ आपको सीटिंग में मिल जाएगा। सेकेंड में हम और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के लिए यहाँ से हम प्लस भी क्लिक कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐड हो गया। तो फिर यहाँ से हम जो भी हमको चूज़ करना है तो वो करते हैं। जैसे कि मैं ईमेल आईडी चाहिए मुझे, तो ईमेल आईडी मैंने एंटर किया और यहाँ मैं कर दूंगा योर ईमेल। ठीक है, और यहाँ से इसको जो भी आपको देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी आ चुका है। अगर यहाँ पे जाओगे आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक मैप, तो यहाँ पे दिख जा रहा है कि पीयूष झा का पहला जो होम स्क्रीन होगा वेलकम स्क्रीन। फिर आपको क्वेश्चन आएगा योर नेम, फिर क्वेश्चन आएगा फ़ोन नंबर, फिर क्वेश्चन आएगा योर ईमेल, फिर ये एंड हो जाएगा। फिर एक थैंक यू लिखा हुआ एक स्क्रीन आएगा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो और भी आपको काफ़ी कई सारा क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि शॉर्ट टेक्स्ट,
लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लिस्ट, चूज सिंगल, चूज मल्टीपल, ड्रॉप डाउन सिंगल, ड्रॉप डाउन मल्टीपल, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये सारे तो अभी हम एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पर आप अपने हिसाब से इसमें आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ये बनने के बाद अगर आपको एक सबमिट स्क्रीन में देखो कुछ कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पे आप सबमिट स्क्रीन पे क्लिक करोगे, सबमिट पे देखो यहाँ पे सबमिट बटन मिल रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेटिंग मिल रहे हैं, ऐसे कि पेरेंट डायरेक्टरी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, फिर रिसीव कन्फर्मेशन उसको भी आप ऑन कर सकते हो, और पेरेंट ऑरिजिन यहाँ पर कोई लिंक दे सकते हो ताकि आपको यहाँ से कन्फर्मेशन आ जाए। जहाँ पर आप चाहो सबमिट बटन को हाइड करना, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, हाइड सबमिट स्क्रीन, तो कि ये जो स्क्रीन है हाइड सबमिट स्क्रीन का, तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम सबमिट को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर देखते हैं कि अब AI से आप क्वेश्चन कैसे ले सकते हो, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चन विथ AI, इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमको एक प्रॉम्प्ट डालना है, तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, तो ये AI जो है वो मुझे क्वेश्चन सजेस्ट करेगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अ फॉर्म फॉर माय कंपनीज मार्केट सर्वे। That can help us to grow our अभी कंपनी को डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ताकि इनको इस AI को समझ में आए कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे हो गया एंड फॉर्म। ओके, इसको हम यहाँ करते हैं जनरेट क्वेश्चन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है आपको, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है व्हाट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आर यू करेंटली यूजिंग, तो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है कि आप अपने फॉर्म में ऐड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप तो इस तरह कुछ आपको और भी मिले, तो आपको प्लस पे क्लिक करना है, तो इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। इसको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा व्हाट स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आर यू करेंटली यूजिंग, तो यहाँ पे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको नीचे आना है, आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, इसके व्हाट आर योर मेन गोल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ योर बजट, व्हाट विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू यूज़, डू यू हैव ब्लॉग्स ऑन योर वेबसाइट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू फाइंड मोस्ट इंगेजिंग, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। अगर तो मैं इसको अपने फॉर्म में ऐड करूँ, मुझे क्लिक करना होगा इम्पोर्ट पे, और ये देखो सारे फॉर्म जो है वो मेरे फॉर्म में ऐड हो जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ अपने मुताबिक। ऐसे देखो कि यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको एक बार फॉर्म को प्रीव्यू करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस आँख पे, आँख के आइकन पे क्लिक करना है, तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा कि कैसा दिखने वाला है। स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमको एक एक करके क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे कि ये पहला क्वेश्चन, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन, तो वो ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक पेज में सारे क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा क्लासिक पे, जहाँ पर देखो आ रहा है कि योर नेम, नेम एंटर करो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर बजट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर इसने सेलेक्ट वन का सिंगल सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट किया है। उसके बाद है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू यू यूज़ फॉर योर बिजनेस, तो इस तरह के ऑप्शन के लिए आप मल्टीपल चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हो, फिर भी ये भी सिंगल चॉइस ही रखा हुआ है, लेकिन आप इसमें चाहते हो कि अगर आप कौन कौन से यूज़ करते हो ये पूछना चाहते हो, तो आप मल्टीपल चॉइस का भी ऑप्शन इसमें डाल सकते हो, ताकि वो एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव अ ब्लॉग और योर वेबसाइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी सिंगल चॉइस ही है। फिर व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेंट डू यू फाइंड मोस्ट इंगेजिंग, तो यहाँ पर इससे भी सिंगल चॉइस ही है, तो आप इसको भी मल्टीपल चॉइस कर सकते हो। फिर यहाँ पर सबमिट पर कोई क्लिक करेगा तो वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड है, इस जो भी अगर इसमें कुछ करेगा तो उसको ये फिलअप करना ही पड़ेगा सबमिट करने से पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टैबलेट में कैसा दिखने वाला है फॉर्म, और फ़ोन में ये कैसा दिखेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा सर्विस है। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है, अब हमको इसको शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा शेयर में, और शेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कोई भी डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि अभी ब्लॉग सर्वे का डोमेन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि आपको काफ़ी सारे इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है,
हम करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिश पे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उसका पूरा एडिट करने को मिल जाएगा। ऐसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आपको कहीं भी शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। कस्टमाइज लिंक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लिंक को कस्टमाइज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो पेज कोई आपको जो लिंक आप इसे शेयर करोगे कॉपी करके, तो वो उसको ये कैसा दिखने वाला है तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको कॉपी करूँ, अब मैं अपने दूसरे ईमेल आईडी से इसको अगर मैं खोलूँ दूसरे टैब में तो देखो कैसा खुलेगा। प्रेस करते हैं, खोलने पे यहाँ पे देखो ये सिंगल स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल क्वेश्चन वाइज आ रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ क्लासिक पे, ठीक है, अब क्लासिक पे हो गया मैं कर दूँगा, तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कैसा होगा। रिफ्रेश करने पे स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी भी वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे कुछ हमको अपडेट करना पड़ेगा आई थिंक, तो अब हम क्लासिक पे क्लिक करेंगे। ये बैक हो चुका है, इसको हम दोबारा यहाँ से ओपन करना है। अच्छा, और इसमें आपको कोई टाइटल लगाना है तो यहाँ पे आप देखो टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें टाइटल लगा सकते हो जैसे कि मार्केट सर्वे। ओके, तो आपको कर देना है यहाँ पे पब्लिश, शेयर पे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको एडिट करोगे। इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्लासिक, या फिर आप कन्वर्जनल भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, क्लासिक पे रखने के बाद अगर आप अब किसी को इसकी कॉपी लिंक दोगे तो आई थिंक अब ये काम करेगा। हाँ देखो, तो आपको यहाँ आप यहाँ पे चेंज करोगे तो इसका चेंज नहीं होगा, बट आप चेंज करने के बाद अगर लिंक शेयर करोगे तब ये काम करेगा। ओके, तो इस तरह से आप किसी को भी भेज सकते हो। अगर आपको ये किसी को इंटीग्रेट करना है, यानी कि आपको वेबसाइट में लगाना है, इम्बेड करना है, विजिट की फॉर्मेट में लगाना है, तो वो सब आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारा लिंक मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसे कॉपी करके अपने HTML टैग में लगाओगे तो आप फॉर्म को अपने वेबसाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर किसी ने आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है इस वेबसाइट इस फॉर्म में, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर एनालिटिक्स पर क्लिक करके आप इसका एनालिटिक्स भी यहाँ पर आप देख पाओगे और इसको यहाँ पर कंपेयर भी कर पाओगे। आपको लेफ्ट में इसका भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। ओके, तो आपको समझने में इसमें कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप उसे हम कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे हम और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।